हटा दे तो मारो चल घुस गया झरिया के होरलादी में श्रीराम की शोभा यात्रा के दौरान पथराव घायल इलाके में तनाव सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी पहुंचे मौके पर। झरिया अयोध्या धाम में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां देश में खुशियां मनाई जा रही थी तो दूसरी तरफ बोरागढ़ ओपी क्षेत्र में श्री राम शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई। सोमवार की देर शाम झरिया के भूतगढ़िया से शोभा यात्रा निकला गया था जिसकी वापसी के दौरान होरलाडीह में दो पक्ष भीड़ गए जिसमें पत्थरबाजी हुई जिसमें वाहन क्षतिग्रस्त हुआ साथ ही कुछ लोगों को आंशिक चोटें भी आई है। घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। घटना की सूचना पर सिटी एसपी ग्रामीण एसपी डीएसपी थाना प्रभारी सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। इधर घटना को लेकर एक पक्ष के द्वारा थाना में लिखित शिकायत भी दिया गया है। शोभा यात्रा में शामिल शिवम पांडे ने बताया कि भूतगया से शोभा यात्रा जुलूस निकाला गया था। वापस लौटने दौरान होरलाडीह में एक समुदाय के युवकों ने जुलूस को रोक लिया और गाली गलौज करने लगे और फिर पथराव कर दिया जिससे सभी लोग जान बचाकर भागे जिसमें एक बाइक को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पत्थरबाजी में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। इस दौरान मौके पर पहुंचे सिटी एसपी अजीत कुमार ने कहा कि थाने में लिखित शिकायत दिया गया है, जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, फिलहाल माहौल नियंत्रण में है। रिपोर्ट मनोज साहब। नमस्कार, मेरा नाम शिवम पांडे है, मैं भूतगढ़िया निवासी हूँ। हम लोग आज श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का पूजा करके झंडा लेके अपने ग्रुप के साथ निकले थे। उसके बाद हम लोग जामाडोवा से झरिया होते हुए और होरलाडी से रिटर्न हो रहे थे। होरलाडी में हम लोग जब 8 से 10 बाइक थे और 15 से 20 लड़के थे। हम लोग जब होरलाडी पहुँचे तब 4-5 अज्ञात लड़कों द्वारा हम लोगों को रोका गया। रोक के बोला गया कि तुम लोग नारा मत लगाओ। तो हम लोगों ने बोला कि नारा क्यों नहीं लगाएं, हम लोग आज पूजा है। इतने में उन लोगों ने गाली गलौज कर दिया, माँ की गाली दी। हम लोगों ने गाली का प्रत्युत्तर नहीं किया। इसके बाद उन लोगों ने बड़े बड़े पत्थर जो नज़दीक में थे उठाकर चलाए। मेरी गाड़ी पर भी पत्थर लगा है, क्षतिग्रस्त हो गया है। और इस क्रम में हमारे 2-3 लड़के गाड़ी से उतर गए तो जान बचाने के क्रम में हम लोग घर की ओर बढ़े तो बढ़े इन लोग पीछे से पथराव और डंडा लेके आ रहे थे। उसके बाद एक बाइक हमारा वहीं फंस गया। इस हमारे मोहल्ले के एक लड़का है, इसका वहीं पे बाइक फंस गया। उसके बाइक को पूरा चकनाचूर कर दिया। वो थाना प्रभारी, उसको जमा कर लिया गया थाना प्रभारी के द्वारा। उसके बाद हम लोग आगे गए, फिर हम लोग थाना को खबर किए। होरलाडी में हमारे जो हिंदू भाई बंधु थे सब मिल गए और उन लोगों के द्वारा लड़कों का पहचान किया गया है, जिसमें 7 से 8 लड़कों का नाम हम लोगों ने दिया है। FIR दर्ज कर दिया है हम लोगों ने। वो लोग कौन थे? उन लोगों का नाम बताया है, उठा तो उसमें से नाम देखिए, एक सोहेल है, अरकम, आरिफ, आजिम, इरशाद, एहसान, सहबाज, ये कुछ 7-8 लड़के। और इसके बाद अज्ञात 4-5 लड़के और थे। हम लोग किसी को नहीं पहचाने क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहते नहीं, हम लोग भूतगढ़िया में रहते हैं, लेकिन हमारे भाई बंधु जो होरलाडी के सबको पहचान लिए और सबके और सबका मुंह बंधा हुआ था, सबका मुंह बांध के रखे थे। पहले से तैयारी था उन लोग का। हम लोग थाना प्रभारी को बुला के लाए, वो लोग जब आए, उन लोग जब बीच बचाव कर रहे थे, दोनों पक्षों को समझा रहे थे, उसके बाद भी उन लोगों ने पथराव किया। थाना प्रशासन के सामने भी उन लोगों ने गाली गलौज दिया और पथराव किया और उग्र होने का उन लोगों ने कोशिश की। इसके बाद भी हम लोग ही शांत हो गए और सब कुछ उन लोगों के जिम्मे छोड़ दिए हैं, प्रशासन के जिम्मे हम लोगों ने सब कुछ सौंप दिया है। अब उन्हीं लोग के हाथ में है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम पांडे। कहाँ से? भूतगढ़िया निवासी, भूतगढ़िया शिव मंदिर। लिखित में हमने दे दिया है। क्षेत्र में लगभग शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग का आज का जो शोभा यात्रा कार्यक्रम था संपन्न हुआ। कुछ देर पहले यहाँ मोटरसाइकिल से जा रहे थे, उसी बीच में एक छोटी सी घटना घटी है। उस संबंध में लेके लिख के दिया गया आवेदन, अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है सर, पहले से प्री प्लानिंग होकर के मामला कुछ दिया? नहीं नहीं, अभी कुछ भी करना गलत है। जैसे यहाँ पर बोला जाए पहले से नकाब का पहन कर रखे थे तैयारी मार्केट करने की? नहीं नहीं, लगातार हमारी पेट्रोलिंग बनी हुई थी, हम लोग पर्याप्त बल दिए हुए थे। तो कोई घायल भी आई? ऐसा कोई घायल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग पूरे मामले की तहकीकात कर रहे हैं। उन लोगों का कहना था कि पेट्रोलिंग पार्टी के सामने हम लोग